हाई एवरीवन, दिस इज अमन हियर फ्रॉम करियर अल्फा एजुकेशन। एंड एज यू नो दैट कि CUET PG का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी क्वेश्चन आता है कि CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे अगर हम CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि CUET के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, और बाकी आपकी जितने भी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल होते हो एडमिशन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, हमें अगर हमने CUET नहीं भी दिया है तो भी हम जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स में। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ क्या रहेंगी, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें हमें टारगेट करना चाहिए, और उन यूनिवर्सिटीज़ में उनमें क्या क्या पेपर कोड या जब हम CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने टाइम पे हर एक यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट के लिए अलग क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट अलग अलग दिए गए, कौन कौन से सब्जेक्ट वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, ये सब आपको चेक करना होगा। जैसा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BBA करना चाहते हैं या MBA करना चाहते हैं या कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जाकर के चेक करना होगा उनकी वेबसाइट पे कि वो कौन कौन से पेपर कोड या वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या लेने वाले हैं। रीजनिंग पूछ रहे हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेंगे, तो सारे वो पेपर कोड होंगे, वो पेपर कोड आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे उन सारे पेपर्स को अप्लाई करके उनका एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो स्कोर कार्ड आएगा वो स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड होगा। तो ये प्रोसेस है, इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी थोड़ी सी बात की थी। फिलहाल हम लोग अभी टॉपिक पे आते हैं, यूनिवर्सिटीज के नाम जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको CUET की वेबसाइट पे जाना है। CUET की जो वेबसाइट है pgcuet.samarth.ac.in, ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको ये यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि CUET PG सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अलग है, स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और बाकी फिर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो यहाँ नीचे से एक बार देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, पौंडिचेरी यूनिवर्सिटी, आपका GGU बिलासपुर जो है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, एक आपका और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेशली रेलवे से रिलेटेड कोर्सेस, काफी सारे बीटेक में रेलवे से रिलेटेड कोर्स ऑफर करते हैं, MBA प्रोग्राम में भी काफी सारी अच्छी स्पेशलाइजेशन में MBA भी ऑफर करते हैं, तो इनको आप चेक कर सकते हैं, गतिशक्ति विश्वविद्यालय को भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक आपका MP में कॉलेज है, MP में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में इनको डाला गया है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटी है इसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में, इसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको CUET PG से आपको एडमिशन ऑफर करेगी। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, झारखंड, राजस्थान, देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। लगभग हर एक स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो CUET के स्कोर कार्ड से एडमिशन आपको ऑफर करेगी। तो आप अपने स्टेट में या जिस भी लोकेशन पे आप कंफर्टेबल हैं और या जिस भी आप यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं उसका एक बार डिटेल्ड में पहले चेक कर लें कि वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस सब्जेक्ट से हमें एग्जाम देना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम हमें देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप CUET का जब एग्जाम देंगे तो आपने नॉर्मली एग्जाम फिल कर दिया, आपने पेपर दे दिया, बाद में जब आप स्कोर कार्ड लेके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि आप पोर्टल पे अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने उसमें से किसी न किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ दिया है जो कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको देना था, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के केस में उस एग्जाम में बैठना था या वो टेस्ट आपको देना था। तो आपको बहुत सारे पेपर कोड मिल जाएंगे, वो फिल करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपका, तब आप जाकर के फाइनली कॉलेजेस में एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, उनमें भी चेक कर सकते हैं, उनका भी जाकर के चेक करिए कौन कौन से क्या उनका क्राइटेरिया है। जैसे कि इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनमें अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, CUET बिना एग्जाम के भी जा सकते हैं। प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये जरूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि यहाँ पर उन्होंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपको लोगो मिल गया या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का नाम यहाँ पे मेंशन है तो सारे यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं है। तो यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वेरीफाई करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर रहेगी, कहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या बजट है, क्या वहाँ पर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहता है, लास्ट के पिछले सालों के प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहे, ये सारा डेटा चेक करने के बाद किसी भी आपको प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीक आउट करना चाहिए, लेना चाहिए, जिसमें से आपको MIT के बहुत सारे कैंपस हैं, नोएडा, झारखंड, पटना, पंजाब, ये सारे MIT के कैंपस हैं, और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी है,
जीडी गोयनका है, गीता यूनिवर्सिटी है, आईआईएलएम, ये बहुत सारे प्राइवेट नाम मिल जाएंगे जो कि आपको सीयूटी के स्कोर कार्ड से एडमिशन दे रहे हैं और ये आपको डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर करते हैं। तो इनमें कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा हेडक नहीं है, नॉर्मल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्मली एडमिशन वैसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन भी हो जाता है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है जो टॉप वाली यूनिवर्सिटीज है उनको आपको टारगेट करना है, तो उनका आप क्राइटेरिया चेक कर ले। अब यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उनमें भी आपको उनसे अफिलिएटेड कई सारे कॉलेज भी होते हैं। तो आप जब किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर सिर्फ आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं करेंगे, उसके साथ साथ उसके अंडर जितने भी कॉलेज होंगे, उस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड जितने कॉलेजेस होंगे, उन सभी कॉलेजेस में आप एलिजिबल होंगे, अपने स्कोर कार्ड से एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराने के लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यूपी में आपका AKTU है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में है और इसके लगभग 600 कॉलेजेस हैं, 600-700 इनके अफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो AKTU अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके बाद आप उनके सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जैसे आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है DTU, यहाँ पर भी आपको BBA MBA कोर्सेज ऑफर होते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके बाकी के स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, MMUT गोरखपुर की बात हो रही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या जो DAV आपका इंदौर है, तो ये भी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये सारे आपके पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, चेक करने के लिए वेबसाइट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट आके इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।